कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लाइसेंसी राइफल से फायर करते दिखा युवक अलीगढ़ से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राइफल हाथ में लेकर रंगबाजी करते दिखा युवक, फायर करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। शादी समारोह का बताया जा रहा है वीडियो। क्वारसी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां लाइसेंसी राइफल से फायर करते दिखा युवक, राइफल हाथ में लेकर रंगबाजी करते दिखा युवक। खुलेआम हो रहा है असलहे का प्रदर्शन, गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असलहों के प्रदर्शन के बाद भी पुलिस अनजान बनी हुई है। रौब जमाने के उद्देश्य से किया जा रहा असलहे का प्रदर्शन, प्रदर्शन करते फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना वजीरगंज का वायरल वीडियो। अंबेडकर नगर के दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अंबेडकर नगर के दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अंबेडकर नगर के दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ेंगे। राहुल, अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है और आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जनपद अंबेडकर नगर में दौरा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज भी मनाई जाएगी, जिसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मंत्री जी, और 12:30 बजे जनपद अंबेडकर नगर में आगमन है। जी, धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को तलब किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्रकूट की जेल रगौली एनकाउंटर का मामला है। 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। शूटआउट में 3 कुख्यात अपराधियों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को तलब किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चित्रकूट की जेल रगौली एनकाउंटर का मामला। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 22 डेंगू के मरीज मिले हैं। लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या 700 के पार हो गई है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज भी डेंगू से संक्रमित मृत्यु की पुष्टि हुई है। 12 दिनों में डेंगू से संक्रमितों की हुई मौत। 12 लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अयोध्या में सड़क हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर किशोर की मौत हुई है। हादसे के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में सड़क हादसा हुआ है, स्थानीय ग्रामीणों ने जलालपुर शाहगंज रोड जाम किया। 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।
मलकापुर के बसंतापुर के पास का मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर किशोर की मौत हो गई है। हादसे के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने जलालपुर शाहगंज रोड जाम किया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।